सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एशटेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे नए यूट्यूबर हैं जो अपनी वीडियो में एशटेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके वीडियो में उनके एशटेक शो नहीं होते। दोस्तों ऐसी वो क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनकी वीडियो में एशटेक शो नहीं होते, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप अच्छी तरीके से अपने एशटेक का यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी वीडियो अच्छे से वायरल हो सके, क्योंकि दोस्तों एशटेक की मदद से ही हमारी वीडियो जल्दी वायरल होती है जिससे हमारी वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको क्या करना है और दोस्तों क्या वो गलतियाँ हैं जिन्हें आप बार बार करते हो, आपको कैसे उन गलतियों को रोकना है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एशटेक क्या होते हैं मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। दोस्तों एशटेक की मदद से ही हमारी वीडियो के वायरल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो उसी के बारे में हम एशटेक लगा देते हैं। जैसे कि आपने वीडियो बनाई कि बेस्ट 5 फोन अंडर 15,000, तो आप एशटेक लगाओगे एशटेक बेस्ट 15,000 एशटेक बेस्ट फोन। तो इस तरीके से दोस्तों आप एशटेक लगाते चले जाओगे वीडियो से रिलेटेड। दोस्तों जब भी कोई देखने वाला यूट्यूब पर सर्च करेगा कि बेस्ट फोन या फिर बेस्ट 5 फोन, तो आपकी जो वीडियो है वो रैंकिंग में आने लगेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे जब लोग देखेंगे तो, और ज़्यादा व्यू आएंगे दोस्तों तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हमारी वीडियो का बॉस्टम बढ़ता है और हमारी ज़्यादा अर्निंग होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वो क्या गलतियाँ करते हो जिससे आपके जो हैशटैग होते हैं वो वीडियो में शो नहीं करते। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं। दोस्तों लोग क्या करते हैं कि सबसे ऊपर जो ऑप्शन आता है टाइटल का, लोग टाइटल के साथ ही अपने हैशटैग लगा देते हैं। दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको टाइटल में अपने हैशटैग नहीं लगाने हैं। तो दोस्तों दूसरी गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि वीडियो को अपलोड करते टाइम एक ऑप्शन और आता है जिसमें हमें दोस्तों अपनी लोकेशन सेट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम इंडिया से हैं तो उसमें हम इंडिया लिख देते हैं, या फिर दोस्तों लोग जिस कंट्री से होते हैं वो उस कंट्री को उसमें सेट कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप वहाँ पर अपनी लोकेशन सेट कर दोगे तो आपके वीडियो टाइटल में दोस्तों हैशटैग में आपके लोकेशन शो करने लगेगी और आपने जो हैशटैग लगाए होंगे वीडियो में वो हैशटैग बिल्कुल शो नहीं करेंगे। दोस्तों यही दो गलतियाँ होती हैं जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहली गलती यही कि लोग अपने हैशटैग अपने वीडियो टाइटल में लगा देते हैं, और दूसरी गलती वो अपनी लोकेशन सेट कर देते हैं। तो दोस्तों ना तो आपको हैशटैग वीडियो टाइटल में लगाने हैं और ना ही दोस्तों आपको अपनी लोकेशन सेट करनी है। आपको अपनी लोकेशन वाले ऑप्शन को छोड़ देना है और आपको अपने हैशटैग जो होते हैं वो आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लगाने हैं, जिससे आपके हैशटैग दोस्तों आपके वीडियो के टाइटल में सबसे ऊपर शो होंगे जैसे कि सबसे होते हैं। दोस्तों आप इसी तरीके से अपने वीडियो के टाइटल में अपने हैशटैग लगा सकते हो और दोस्तों जिससे आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी वायरल हो सके। हैशटैग की मदद से ही हमारी वीडियो पर व्यू जाते हैं, बट हम गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी मदद से हमारे हैशटैग वर्क नहीं कर पाते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।